आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके गुरुजी में। इस वीडियो को पूरा देखिए और लंबे टाइम तक देखिए। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि भारत के नॉर्थ इंडिया का एक पार्ट है। उत्तर प्रदेश काफी फेमस है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन के बारे में बात करेंगे, उसका एरिया क्या है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, उसका नेशनल पार्क क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, अभी का मुख्यमंत्री कौन है, पहला गवर्नर कौन है, अभी का गवर्नर कौन है। तो चलो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को एक नेशनल बाउंड्री है जो कि नेपाल के साथ है, राजस्थान के साथ बाउंड्री टच है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूके, दिल्ली, यूके मतलब उत्तराखंड, नॉट ईस्ट लंडन, यूनाइटेड किंगडम, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। वाव, इतने सारे राज्य से उसकी बॉर्डर टच करती है। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसकी जो फॉर्मेशन है वो 24 जनवरी 1950 को है और इसके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। इसके फॉर्मेशन के बाद इसकी जो कैपिटल है वो लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है लखनऊ। इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया 240,928 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि फोर्थ नंबर पे आता है भारत के अंदर, और टोटली 7.28% जो कि भारत की जमीन इसने ऑक्यूपाई करके रखी है यूपी ने। अब बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया में फोर्थ रैंकिंग आई तो पॉपुलेशन में फर्स्ट पे आ गया उत्तर प्रदेश। उसकी जो पॉपुलेशन है वो 19,98,12,341 है जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बराबर है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट जो है 67.68% है। डेंसिटी की बात करते हैं 830 पर किलोमीटर स्क्वायर, मींस 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर टोटल 830 लोग रहते हैं मात्र। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं वो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे हम बात करते हैं इलाहाबाद, आगरा, इटावा और ऐसे कई बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि आप पढ़ लेना और उसको देख लेना। अब डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। टोटली जो इंडियन रेलवे के सिस्टम है, जो कि हेडक्वार्टर्स इंडियन जोन को 16 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें दो ऐसे जोन है जिनका हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो कि गोरखपुर के अंदर है। अब बात करते हैं टोटली 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो कि पहला है ताजमहल। ताजमहल बनाया गया 1632 के अंदर शाहजहां के द्वारा उसकी पत्नी मुमताज की याद में, और जो इसके आर्किटेक्चर थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और दूसरी जो साइट है वह है टोटली आगरा का फोर्ट। आगरा का फोर्ट बनाया गया अकबर के द्वारा, और जो थर्ड है फतेहपुर सीकरी, वो भी अकबर के द्वारा बसाया हुआ एक शहर है। आगरा का जो फोर्ट था वो कुछ 1565 के आसपास बनाया गया था जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं जो कि 403 सीटें हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सप्तपुरी क्या है, इसके पीछे एक सीक्रेट है और मैं वो आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। इसकी जो लोकसभा की सीट है वो 80 है, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, और इसका जो हाईकोर्ट है वो प्रयागराज में है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद भी था लेकिन इसका अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। टोटली एयरपोर्ट की बात की जाए तो लखनऊ में एयरपोर्ट है, वाराणसी में एयरपोर्ट है, ये दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। लखनऊ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो वाराणसी का एयरपोर्ट है उसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टोटली 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में भी एयरपोर्ट है, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, और ये रिपीट हो गया। अब बात करते हैं तालाब के बारे में। कई फेमस तालाब उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, रामगढ़ तालाब, चिलौआ तालाब, ये गोरखपुर के अंदर हैं, मोती झील जो कि कानपुर के अंदर हैं, बरऊ सागर ताल जो कि झांसी में है, सीका झील जो कि अलीगढ़ में है। ये तो हमने बात की लेक और तालाब के बारे में। अब जो फेमस नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, रामगंगा, बेतवा, केन, घाघरा, जो कि गंगा है वो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। उसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर के आसपास है। यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या बसी हुई है, गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है, और गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। ऐसे काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं। अब ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन कई लोग वहाँ पे उर्दू भी बोली जाती है क्योंकि इन लार्ज क्वांटिटी जो कि उर्दू के बोलने वाले हैं। एनिमल की बात करते हैं, स्टेट एनिमल इनका बारहसिंगा है जो कि आप देख सकते हो, जो स्टेट बर्ड है वो सारस क्रेन है, स्टेट फ्लावर है जो कि पालाश है, स्टेट ट्री है जो कि अशोका है। अब इसके हम डांसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसका डांस है स्वांग, चारकुला, रासलीला, नौटंकी,
अहीर डांस, इस तरह फेमस फेमस डांस उत्तर प्रदेश के हैं। और फेस्टिवल और फेयर के बारे में भी उत्तर प्रदेश नंबर वन पे रहा हुआ है, एक अच्छा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो फेस्टिवल और फेयर है वो बात करते हैं, बटेश्वर फेयर जो कि आगरा के अंदर लगता है, लट्ठामार होली जो कि ब्रिज के अंदर होती है, जो कि मथुरा ब्रिज है वहाँ पे होती है, ताज महोत्सव वो आगरा के अंदर होता है, बुद्ध महोत्सव जो कि कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, गौचरण फेयर जो कि ब्रिज रीजन के अंदर ही होता है, गौचरण मतलब गौ माता से रिलेटेड फेयर होता है वो, नवचंडी फेयर है जो कि मेरठ में होता है, और एक है जो कि सबसे बड़ा है जिसे हम कहते हैं कुंभ मेला, जो कि इलाहाबाद में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला बहुत भव्य लगता है, जो कि 12 साल में लगता है। अब हम बात करते हैं सप्तपुरी, जो कि काफ़ी लोगों को डाउट्स रह रहे होंगे सप्तपुरी है क्या। सप्तपुरी जो कि सात पवित्र स्थान, ऐसी शहर जो कि हिंदू धर्म के अंदर सात पवित्र है, ऐसे मात्र तीन तो यूपी के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं वो तीसरे कौन है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री रामचंद्र भगवान की अयोध्या, उसे सप्तपुरी में इंक्लूड किया जाता है अयोध्या। सेकेंड है वाराणसी जो कि विश्वनाथ महादेव की भूमि है, विश्वनाथ महादेव वहाँ पर विराजमान है। और जो थर्ड है वो मथुरा जो कि कृष्ण भगवान की भूमि है मथुरा। टोटली तीन है। अब कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे होंगे, सर ने तो हमको सात बताई है लेकिन सर ने बात की है तीन की, जो कि चार है उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग स्टेट्स में हैं, जिसमें पहला है तमिलनाडु कांचीपुरम, सेकंड है गुजरात द्वारका, थर्ड है मध्य प्रदेश उज्जैन, चौथा है उत्तराखंड हरिद्वार। टोटल चार बाहर, तीन उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सो अब हम बात करते हैं डांस के बारे में, हमने बात की, अब बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम बात करेंगे। तो नेशनल पार्क जो है वो दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी में है, बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वाराणसी के अंदर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, चंद्रशेखर वर्ल्ड सेंचुरी जो कि उन्नाव में है, ओखला वर्ल्ड सेंचुरी जो कि नोएडा में है, सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड सेंचुरी जो कि ये जो सूर सरोवर है ये कवि सूरदास थे, उन्होंने एक काव्य कंपोज किया था उनकी याद में ये सूर सरोवर बना हुआ है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इलाहाबाद के अंदर है। अब हम बात करते हैं लेक के बारे में, जो कि लेक हैं रामगढ़ ताल, इनके बारे में हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी। अब डैम के बारे में आ जाते हैं, तो डैम जो है रिहान डैम है जो कि जिसका दूसरा नाम गोविंद वल्लभ पंत है, गोविंद वल्लभ पंत हमारे यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे उनके नाम से ही रखा गया है, गोविंद वल्लभ पंत जो कि रिहान डैम का ही दूसरा नाम है। राजगार एंड मोती तिला डैम, ये जो डैम है ये बेतवा नदी के ऊपर बनाए हुए हैं। वर्णसागर डैम जो कि सोन नदी के ऊपर है, शारदा प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी फेमस है और जो कि गोमटी नदी के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। परीक्षा बेतवा डैम जो कि परीक्षा डैम है वो बेतवा नदी के ऊपर है जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है। जैमिनी डैम एंड शहजाद डैम ये दोनों ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आए हुए हैं। ये तो हमने बात की डैम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी, जो इकोनॉमी टोटली उत्तर प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो पहले नंबर पे आता है वो महाराष्ट्र आता है, सेकंड पे तमिलनाडु आता है, थर्ड पे गुजरात आता है, फोर्थ पे कर्नाटका और फिफ्थ पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आता है। अब फेमस फेमस पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि उनके बारे में जरूरी है, उन्होंने कई अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं। अब हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत जो कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, मदन मोहन मालवीया इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इनका जन्मदिन और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर को दोनों जन का एक साथ आता है। मदन मोहन मालवीया हैं, इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। चंद्रशेखर जो कि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं, चंद्रशेखर ये हैं जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह जो हमारे देश के पांचवें प्रधानमंत्री थे, फिर डॉक्टर कल्याण सिंह जो कि कल्याण सिंह यूपी के शॉर्ट टाइम के बहुत मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ दी थी, इनका बहुत बड़ा बलिदान है, हाल में वो राजस्थान के गवर्नर भी हैं। इंदिरा गांधी जो कि फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, राम मनोहर लोहिया जो कि फ्रीडम फाइटर है, वीपी सिंह जिनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि हमारे देश के सातवें प्रधानमंत्री हैं, जयशंकर प्रसाद जो कि काफ़ी फेमस राइटर हैं, पोइट हैं, इनका जो कामिनी नाम का जो नोवेल है वो काफ़ी फेमस है। मुंशी प्रेमचंद्र इन्होंने एक नोवेल लिखा था जो कि गोदान जो कि काफ़ी फेमस हुआ था। महादेवी वर्मा ये भी राइटर है जो कि उत्तर प्रदेश से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी इनका उपनाम निराला भी है। मैथिली शरणगुप्त ये भी राइटर है। आर के एस भदौरिया जो आर के एस भदौरिया हैं वो एयरफोर्स के अभी चीफ हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी साहसी हैं। बिस्मिल्ला खान ये उत्तर प्रदेश के जो कि एक
बिस्मिल्ला खान जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, और ये टोटली जो शहनाई होती है वो बजाते हैं। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जब हमें आज़ादी मिली थी तो इन्होंने रेड फोर्ट पे शहनाई बजाई थी। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं, बिरजू महाराज जो कि कथक डांस करते हैं, और सैयद मोदी जो कि बैडमिंटन के काफ़ी बहुत बड़े प्लेयर हैं, और सैयद मोदी कप भी होता है जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड फील्ड होता है, रिलेटेड एक कप होता है जो कि बैडमिंटन से है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। मेजर ध्यानचंद, इनकी जो हॉकी के जादूगर भी कहा जाता था, इनकी याद में स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं हम। अब हम बात करते हैं अभी के मुख्यमंत्री के बारे में। जो अभी के मुख्यमंत्री हैं यो योगी बाबा हैं, जिन्हें हम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, जो कि गोरखपुर के एक सन्यासी हैं, जो कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं। पहले मुख्यमंत्री के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ, जो कि हैं गोविंद वल्लभ पंत, जो पहली हमारी फर्स्ट गवर्नर है उत्तर प्रदेश की, जो कि हैं सरोजनी नायडू, और अभी की जो गवर्नर है देवेन पटेल, तो अभी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो इस तरह उत्तर प्रदेश के बारे में हमने एक एक चीज़ डिस्कस की। उत्तर प्रदेश कितना विराट है, उत्तर प्रदेश ने हमें कितने बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स दिए हैं, और हर बार अभी के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी मत विस्तार, जो कि उनका कंस्टिट्यूएंसी है वो भी वाराणसी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अयोध्या का राम मंदिर हो रहा है, जय श्री राम। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी को जय श्री राम।